पर भैया ये दुनिया कितना बड़ा है। हाँ यार ये तो बहुत बड़ा है, मुझे लगा कुछ 10-15 मुल्क होंगे। अरे नहीं नहीं ये देखिए कितना, अरे ये नीला वाला कौन सा मुल्क है? अरे ये नीला ये इतना बड़ा है, ये पक्का अमेरिका है। अरे नहीं नहीं हमने सुना है चाइना बहुत बड़ा, ये चाइना है। हाँ भाई क्या हो रहा है? हम लोग दुनिया की सैर कर रहे हैं देखी। तुम लोग वैसे भी दुनिया की सैर नक्शा देख के ही कर सकते हो, लौट जाए तक के तो पैसे नहीं है तुम लोगों के पास। नौसी आप अगर हैदराबाद भी बोलती तो हमें इतना ही बुरा लगता। वैसे ये सुबह सुबह नक्शा देखेंगे क्या तुझे? नौसी हमने सोचा कि दुनिया के बारे में कोई ना कोई मालूमात होनी चाहिए, इसलिए हम सुबह से कोशिश करेंगे पता लगाएंगे क्या क्या। लेकिन नौसी समझ नहीं आ रहा है नीला वाला मुल्क कौन सा, अंग्रेजी में लिखा हुआ। ओहो पागलो ये मुल्क नहीं है ये समंदर है। अरे कैसा बेवकूफ वाला बात कर रही है, समंदर होता तो मोबाइल गीला नहीं हो जाता। प्यारे तुझे फोन के अंदर पानी कैसे दिखाएं? हाँ ठीक कह रही है, अगर तुझे मोबाइल के अंदर समंदर दिखाएंगे तो मोबाइल तो गीला नहीं हो जाएगा अंदर से। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। इसमें अमेरिका कहाँ है? ओहो तो पता नहीं सबको अमेरिका जाने की क्यों पड़ी होती। खैर छोड़ो एक काम करते, सुबह सुबह तो कुछ करने के लिए है नहीं तो फिर हम मुल्क के नाम लिखते और गिनते। हाँ ये ठीक रहेगा। जा प्यारे पेन और पेपर लेके। हाँ जा प्यारे। ए तुझे बोला है ना। अच्छा ये लीजिए देखिएगा पानी ना गिर जाए। आते हैं। वैसे नौशी जान मैं मतलब नौशी नौशी ये इतना सारा पानी इसमें मुल्क क्यों नहीं बना लेते? भगवान पानी में मुल्क कैसे बनेगा? लकड़ी से नौशी। डूब जाएगा ना। सीमेंट से? ए डूब जाएगा। अच्छा नौशी नौशी वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल उसी तरह मुल्क डूब जाएगा ना जैसे मैं आपके प्यार में डूब चुके हूँ। थप्पड़ खाएगा नौशी? थप्पड़ खाओ चावल रोटी है सब। वजीर अहमद तुम वाकई बूढ़े हो गए। अरे लगता है खैरन आपने वो मिसाल नहीं सुनी कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। अच्छा तो फिर तुम्हें किसमें शुमार करूं? बहुत बुरी बात है खैरन, काम हम गधों का करते हैं और आप हमें घोड़ों में शुमार कर रही हैं। पीछे देखो पीछे कितना कचरा छोड़ के आए। अरे पीछे तो हम बहुत कुछ छोड़ गए खैरन, अब तो यही जिंदगी है जिस पर इक्तफा करना। जब तुम इतनी मुश्किल उर्दू बोलते हो ना तो पता है वजीर अहमद मुझे तुम पे बहुत प्यार आता है। अरे क्या वाकई खैरन कितना? इतना इतना कि मेरे जी चाहता है कि तुम्हारी खाल उधेड़ दूं और तुम ही को पिना। किससे सीखी है तुमने इतनी मुश्किल उर्दू, कहां से आई ये अल्फाज? अरे खैरन हमारे अब्बा के बड़े भाई थे जो उर्दू में बहुत माहिर थे। अरे ऐसी उर्दू बोलते थे कि लोगों की समझ में नहीं आती थी। क्यों तोतले थे क्या? अरे नहीं बड़ी मुश्किल उर्दू बोलते थे। अच्छा तो ये उर्दू तुमने उनसे सीखी है? अरे खैरन उनका इंतकाल हमारी पैदाइश से पहले हो गया। तो फिर उनका जिक्र क्यों कर रहे हो? ऐवें याद आ गया। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी अम्मा कितनी पढ़ी लिखी थी? क्या बात कर रही है खैरन, अगर हमारी अम्मा पढ़ी लिखी होती तो क्या आपको पसंद करती हमारे लिए? क्या मतलब? हाँ देखा सच कितना कड़वा होता है खैरन। अब मैं भी एक कड़वी बात करने लगी हूँ, तैयार हो जाओ। इस सफाई के बाद तुम्हें लॉन में पानी भी देना है। अरे नहीं, अरे नहीं खैरन प्लीज ये काम मत कीजिएगा, हमारी कमर तो पहले से अकड़ गई है और ये घर ऊपर से इतना बड़ा है, एक कोना साफ करके दूसरे कोने तक पहुँचो तो पहला कोना दोबारा गंदा हो जाता है। चलो खड़े हो जाओ, चलो चलो पाइप उठाओ, चलो कड़वी बात, पानी भरना है और फिर पानी जाके लॉन में डालना है। हाँ। पाइप खराब हो गया है। हाँ, भर रहे हैं। अच्छा, सफाई भी कर रहे हैं। अच्छा, जल्दी करो, रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी। अरे काश हमारा अपना घर होता, खैरन के साथ एक दिन भी नहीं रहते। अरे ये तो हमारी मजबूरी है वरना का कमी है हमें। अरे खूबसूरत है, आंखें खूबसूरत है, हेयर स्टाइल भी है, आवाज भी है, अंदाज भी है। अरे वाह, अरे ये तो बिल्कुल टीवी के इश्तहारों की जैसी बातें कर रहे हैं, मगर क्या फायदा, काम तो नौकरों की तरह ही करना है ना। अरे ये कौन आ गया सुबह सुबह? अरे आते हैं। अरे अल्लाह मियां आप वाकई अल्लाह मियां हैं। अरे फौरन सुन लेते हैं। Hey gardener. अरे जी जी फरमाइए, बल्कि आइए आ जाइए आ ही जाइए, क्योंकि खूबसूरत लड़कियां इस मोहल्ले में जब आती हैं तो रश लग जाता है।
Go and call someone else. Happy birthday. हाँ ये गार्डनर है, इसे इंग्लिश कहाँ समझ में आएगा? अरे कोई बात नहीं, आप उर्दू में बोल रहे हैं, हमें उर्दू भी आती है, बल्कि आप यहाँ क्या बातें करेंगे? हाँ अंदर आइए, आइए आ जाइए, आइए आइए आइए, अरे आइए ना मालिक, घर के मालिक को बुलाओ। अरे पहले आप दोनों बताइए, आप दोनों हैं कौन? मैं हैना और ये मेरी मम्मी मैना। हालांकि बनता तो हाना और मोंटाना है, मगर आप मैना हैं तो हम तोता हैं, बन गई जोड़ी, मुबारक हो। शट अप, घर के मालिक को बुलाओ। ओ मैना, हम ही हैं इस घर के मालिक, है ना? अरे आप हैं, आपने हमें नहीं पहचाना। हम तो आपको बहुत नजदीक से पहचानना चाहते हैं, मगर आप ये बताएं आप हैं कौन? हम अमेरिका से आए हैं, आपके दो बेटे हैं ना? जी जी हैं, और दोनों बड़े कमीने। मैं उन्हीं दोनों कमीनों में से एक से अपनी बेटी की शादी करने आई हूँ। अरे वाह, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर आप हमारे बेटों को जानते कैसे? अरे आपके बेटों को तो हमारा पूरा घर जानता है, वो बड़े मशहूर हैं। जी जी, जितने वो कमीने हैं उनको मशहूर होना ही चाहिए। आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए, आराम कीजिए, हम आपके लिए जो भी कुछ घर में हुआ ले आते हैं। ये कौन सा रश लगाया हुआ है, कौन है ये लोग? अरे आइए खैरन, बैठिए बैठिए, मैं बाद में बैठूंगी, कौन है ये? माँ, अरे हम बताते हैं, ये हाना और ये माना। मैना, कौन मैना? अरे आप भी कुछ बताइए ना, क्या हम ही बोलते रहेंगे? लिसन लेडी। ए खबरदार जो अंग्रेजी में गालियाँ दिए, उर्दू में बहुत गालियाँ आती है मुझे। नहीं नहीं, मैं गाली नहीं दे रही थी, मैं तो कह रही थी मोहतरमा, मैं मैना हूँ और ये मेरी बेटी हैना, हम यहाँ शादी करने के लिए आए हैं। आए हाय, तू बेटी की माँ है और खुद भी शादी करने आई है? अरे तो इसमें क्या बुराई है, हम अभी 3 शादियाँ और कर सकते हैं। ए खबरदार, अपनी जबान बंद रखो। अच्छा, तुर्किस्तान के काउंसलर, हाँ क्या बोल रही थी तुम? आप गलत समझ रही हैं खैरन, मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटों से करने आई हूँ। दोनों से? नहीं नहीं, दोनों से नहीं, एक से। अरे खैरन, ये अमेरिका से आई हैं। ओ कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा तो आप हैं हैना? जी, आपका घर बहुत खूबसूरत है खैरन मम्मी। लो भाई, ये तो फुल तैयारी के साथ आई। अरे बस खैरन, आप अपना काम जमाइए और हम अपनी दुकान चलाते हैं। जबान खींच लूंगी अगर तुमने कोई बुरी हरकत की तो। अच्छा तो खैरन, आपके बेटे कहाँ हैं? मैं भी बुलाती हूँ। बबन प्यारे, बेटा काम आया है। आप लोग कितने डॉलर लाए? बहुत ज्यादा पैसा। अरे देखो भाई, मेहमान आए हैं। और वो भी कितने टाइट टाइट भज्जी चेक कर यार। बबन प्यारे, ये मैना है और ये है ना, अमरीका से आई है। बबन भैया, ये वही अमरीका जो हम नक्शे में देख रहे थे? हाँ वही लग रहा है काला। अरे चलिए है ना, पसंद कर लीजिए और अपना सामान अलग कर लीजिए। अरे अभी तो हम आए हैं, है ना अलग अलग दोनों से मिलेगी फिर फैसला करेगी, अभी तो हम बहुत थक गए, थोड़ा रेस्ट करेंगे। आइए मैना, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। चुप रहो हैना, चलिए बहना आप लोग मेरे साथ आइए। आइए आइए आया। ठीक है ना? ए बबन भैया, हमें शादी कर लेने दीजिए ना। कोई भी नहीं, दोनों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। अरे दोनों को नहीं, तीनों को। बकवास बंद करो, तुम अब तक यहीं खड़े हो, चलो। तौबा है भाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको बबन बहुत पसंद आ रहा है? आपको कैसे पता? अरे क्योंकि जो बबन से एक बार मिल लेते हैं ना, उसको फिर कोई और पसंद नहीं आता है। वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, उसके बाद घूमता फिरता हूँ, उसके बाद मैं अपनी नशी का दिल बहलाता हूँ, उसके बाद अम्मा से गालियाँ खाता हूँ, फिर रात को लोगों को हंसाता हूँ। हंसाता हूँ? और ये सारे काम करके आप कितना कमा लेते हैं? कितना कमा लेता हूँ? बहुत कमाता हूँ, ये पूरा घर जो है ना मेरे पैसों से आया है, बाकी इस घर में सब लोग बातें करते हैं। तभी मेरा दिल करता है मैं आपसे दोस्ती कर लूँ और खूब बातें करूँ। वैसे एक बात बताओ, आपको बबन कैसा लगता है? काफी मुश्किल सवाल है। तो अभी आपका मुश्किल का हल निकाल लेते हैं, मैं आज रात को आपके लिए मीठा लेके आऊंगा। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अभी जाइए ना। क्या मीठा आते मुँह में पानी आ गया, जाओ ना अभी जाओ। हाँ इसी वक्त, इसी वक्त। कहती है तो बहुत मजे से।
फूल तुम्हें भेजा है खत में, अरे फूल नहीं हमरा दिल है। Just for me? Thank you. वैसे तो ये फूल आपके सामने कचरा है, मगर फिर भी हमारी तरफ से एक तोहफा। ऐसी बात नहीं है, फूल तो मोहब्बत की अलामत होते हैं। मैना, वजीर मोहब्बत का दूसरा नाम है और आपका का प्रोग्राम। अभी तो भूख लग रही है, खाने का प्रोग्राम है। अरे नहीं नहीं, वो वाला प्रोग्राम। कौन सा, खुल के बताए ना। बस अपने मुंह से का कहे, शादी के प्रोग्राम का पूछ रहे थे। बस आप हाँ कह दें तो फौरन शादी हो जाएगी। अरे हमारी तरफ से तो हाँ है, बस कपड़े बनवाने हैं। कपड़ों का क्या है, वो तो एक दिन में बन जाएंगे। अच्छा तो फिर मून हनी का क्या प्रोग्राम है? जो आपको अच्छा लगे। भाई हमरा तो बैंकॉक जाने का बहुत शौक है, और आप शादी में लाल जोड़ा पहनिएगा। और आपको भी सूट पहनना पड़ेगा, वो भी हमारी पसंद का। अरे जी जी क्यों नहीं, आप कहें और हम ना माने। ऐसे तो हालात नहीं। अच्छा बेटा, तो ये नया चक्कर चल रहा है वजीर का। खैरन के साथ मिलके इसके मजे लूंगी। चल नौशी। जी बाबा, हम पहुंच गए हैं। हाँ अभी तक एक ही लड़के से मुलाकात हुई है, काफी वेट से था। दूसरे से भी हो ही जाएगी। आई विल लेट यू नो पापा, बाय। अब पापा जानी का फोन था। जी मेरे पापा, पापा जानी। नहीं वो तो आप ठीक कह रही है, लेकिन हमने सोचा है कि हमारी शादी हो जाएगी ना, तो हम भी पापा जानी बोलेंगे। वेरी गुड एंड वेरी फास्ट। अच्छा प्यारे, तो तुम बबन से बड़े हो? नहीं नहीं, है तो बबन भैया बड़े, लेकिन किसी काम के नहीं है, सारा काम हम करते हैं। अच्छा, मगर बबन तो कह रहा था सारा काम वही करते हैं और ये घर भी उसी ने खरीदा है। अरे रहने दीजिए, वो एक पैंट नहीं खरीद सकते, ये घर हमने खरीदा है। अच्छा तो तुम कोई बिजनेस करते हो? हाँ हम सड़क पे बैठ के बसें गिनते हैं। है? ये कैसा बिजनेस है? अब कहने का मतलब है कि हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है। अच्छा ट्रांसपोर्ट, तो तुम खाना पकाना जानते हो? लो भाई, ये तो अम्मा और अब्बा का जोड़ी बनने जा रहा है, लेकिन चलो अमेरिका के लिए ठीक है। अब हाँ ऐसा बनाते हैं जबरदस्त, और बर्तन तो हम ऐसा धोते हैं कि कमाल। वेरी गुड। वैसे ये सारा काम काज छोड़ के तुम अमेरिका चलोगे? बस क्या करें, तुम्हारे लिए करना पड़ेगा, लेकिन हाँ हम ये करेंगे कुछ बसें हम बबन भैया को दे देंगे, उनका भी भला हो जाएगा। नाइस थिंकिंग प्यारे। तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? हमारे बारे में, हम कैसे लगे आपको? अच्छे तो हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों में ना मुकाबला बड़ा सख्त है। लो भाई, लंबा लंबा फेंकने का कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे डोंट वरी, लॉटरी तुम्हारी भी लग सकती है। चले ठीक। अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाओ प्यारे भाई, पवन भैया तुम यही सड़ते रहोगे। यस। एक ऊपर बैठी बच्ची के साथ बातें कर ली, दूसरी यहाँ कभी सेल्फी ले ली। कौन है तू? है ना और वो कौन है? मैं ना। और तुम दोनों कौन? माँ बेटी। माँ बेटी, पता क्या कर रही हो? तुम कौन हो और इतने सवाल क्यों कर रही हो? मैं नौशी हूँ, घर में रहती हूँ, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। कौन हो तुम? थैंक यू एंड गुड बाय। मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई, कौन हो तुम? बबन और प्यारे को जानती हो? हाँ जानती हूँ। तो जाओ और पूछो हैना कौन है। बबन, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? तुम दूर दूर होके बैठे हुए हो? एनओसी, ये हमारा आपस का मामला, ऐसे बाहर रहिए। अब बबन बताना क्या हुआ, बता ना। नहीं जी, मैं आपसे बात करने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज ट्राई कर लीजिए। अरे तुम दोनों का ड्रामा क्यों कर रहे हो भाई? अरे तो और क्या करें, आपसे जब बात कर रहे हो आप हमें जलील कर देती हो। लेकिन प्यारे हम लोग तो दोस्त है ना। नहीं जी, हमें दोस्त की जरूरत नहीं है, हमें लाइफ के अनलिमिटेड पार्टनर की जरूरत है, जो की हमारी जरूरत पूरा करने को आ गया। अच्छा लाइफ पार्टनर, तुम लोग कहीं हैना की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम हैना की बात कर रहे हैं, अब हमें किसी और का जरूरत नहीं है। देख ले प्यारे, वो तो कुछ देर की मेहमान है, बाद में मैं ही मिलूंगी। नहीं हैना अब कहीं नहीं जाएगी,
वो अब हमें लेके जाएगी सर। लेके जाएगी? कहाँ ले जाएगी भाई? अरे वो अमेरिका नहीं होता, जहाँ जहाज में जाते हैं। अच्छा तो ये दोनों माँ बेटे तुम लोगों को अमेरिका ले जाने आएंगे, अभी देख लूंगी इन लोगों को। नशे नशे, वो हमारे घर की इज्जत है, प्लीज उसकी रिस्पेक्ट करें। ए बाबा, ए प्यारे, मैं तुम दोनों को भी देख लूंगी और उनको भी, अभी देखती हूँ किधर है। जानते हैं लोगों को? हो गए होंगे एक कोई साल इस अजाब में। अजाब? और नहीं तो क्या, एक से बढ़कर एक सारे पागल हैं। और सबसे बड़ा पागल तो वो है वजीर। कौन वजीर? अरे वो ही जो तुम्हें फूलों का नजराना पेश कर रहा था। उनका नाम वजीर है? उन मत बोलो, सुन के खुशी से बेहोश हो जाएगा। तुम इस घर में कब से रह रही हो? मैं अभी कुछ दिन हुए। अरे मैं ना, तुम यहाँ बैठी हो? आओ आओ कोयल, तुम भी परिंदों में शामिल हो जाओ। हाँ तू ही एक जानवर है जो इस घर में फिट नहीं होगी। क्योंकि मैं एक पहेली हूँ, इसीलिए तू अकेली है। खैर अरे अरे, आप लोग लड़ाई नहीं करें। मैं कहाँ लड़ रही हूँ। अच्छा तुम ये बताओ कि प्यारे और बब्बन में से तुम अपनी हैना की शादी किससे करोगी? मैं शाम तक सोच के बताऊंगी खैरन, पहले जरा हैना से मशवरा कर लूँ। हाँ हाँ, अच्छे तरीके से मशवरा कर लेना। सुनो, जो बातें मैंने बताई ना उनको भूलना मत, याद रखना। क्या बातें की है तूने? परेशान मत हो खैरन, सच ही बताया। अच्छा सुनिए, हम लोग शाम की चाय पे मिलते हैं लॉन में। क्यों, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। ओके बाय। अरे वाह खैरन, तुम तो अभी से ही अमेरिकन बोली बोलने लगी। मेरे बेटे की शादी हो जाने दे, अमेरिका जाऊंगी, वहां से देखूंगी तुझे। हाँ हाँ देख लेना, अभी निकल। अरे चल तू निकल, तू निकल चल। हाँ बेगैरत नहीं तुम। जल जल के कोयला हो जाएगी, शादी तो नहीं होगी। बढ़िया आई। हाँ तो क्या इरादा है अब तुम्हारा? किस चीज का? अरे किस चीज का भाई, शादी का और किस चीज का? मैंने अपना फैसला मॉम को बता दिया है। मॉम क्या पर्चियां निकालेगी कमेटी की तरह? नहीं नहीं, आप प्यारे और बबन को तो बुलाइए। अच्छा मैं भी बुलाती हूँ, प्यारे बबन। अरे आ गए, हम आ गए हैं। ए वजीर अहमद, ये तुम क्या हुलिया बना के घूम रहे हो? हाँ जहालत तो भरी हुई है। अरे इसको अंग्रेजी में कोट कहते हैं। बकवास मत करो, ये कपड़े किसने दिए? ये मैना जी ने ला कर दिया है और अपने हाथों से तैयार किया है। हम है? अरे सिर्फ टाई उन्होंने बांधी है, वरना हम तो मफलर की तरह इसको गले में लटकाए हुए थे। वाह वजीर अंकल, आप तो बड़े डैशिंग लग रहे हैं। डैशिंग नहीं लग रहे, पूरे डैश लग रहे हैं। अरे भाई छोड़े खैरन, ये बताएं कि शादी में शिरकत तो करेंगी ना? अरे क्यों नहीं आऊंगी, जाहिर है मेरे बेटों की शादी है, आऊंगी। अरे बच्चों की बात ना ही कर रहे हैं, अपनी और मैना जी की शादी की बात कर रहे हैं। वजीर अहमद, इसी टाई के साथ ना मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगी पंखे के साथ। अच्छा सुनिए ना खैरन आंटी, बब्बन और प्यारे कहाँ हैं, बुलाइए ना। अरे वो दोनों नाई की दुकान पर बैठे हुए हैं, दूल्हा बन रहे हैं। आए मैं सदके जाऊँ अपने बच्चों के। हाँ तो है ना, तुम किससे शादी करोगे? दरअसल खैरन आंटी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो क्या होता है? दरअसल हम तो यहाँ पे आए थे इस घर के मालिक के बेटों से शादी करने, उनको सरप्राइज देने, लेकिन वो तो मुल्क से ही बाहर हैं और नौशी ने बताया आप उनके नौकर के रिश्तेदार हैं, तो हम तो शादी नहीं कर सकते। ये तुम क्या कर रही हो अब, है ना? तो अब भी का बिगड़ा है,
हम तो शादी करने के लिए तैयार हैं। आप कहीं और जाके रिश्ता देख लीजिए वजीर अंकल, हम तो आज रात वापस जा रहे हैं अमेरिका। सॉरी हैरन आंटी। हैरन, ये क्या हुआ, तुम्हारी शादी हो रही है? चलो दिखाओ कहाँ हो रही है शादी, पकड़ो ना मुझे। नोशी, मैं तुझे जान से मार दूंगी। हमारे दो बेटे हैं। जी हाँ। अरे खैरन, हमारे अब्बा के बड़े भाई थे। भाई भाई कट कर दो, अल्लाह के वास्ते में वहां चला गया था। मैं ना हूँ और ये है ना। अच्छा, ये तो जरा उल्टा हो गया। हाँ। चले तो भाई। ये कौन है? ये मैं ना। और ये तोता नहीं था वो। नहीं।